Security has been stepped up in Ayodhya on the 23rd anniversary of Babri Masjid demolition on Sunday. The district administration is making all efforts to ensure peace and harmony in the temple town and adjoining Faizabad. जैसे पहले था 6 दिसंबर एक बहुत ही सुंदर घटना का है इसलिए उसको याद करते हैं लोग और वहां कार सेवा प्रोम में सभा होती है और सभी लोग आते हैं अपनी भावना श्रद्धा प्रेम प्रकट करते हैं बड़े उत्साह के साथ 6 दिसंबर मनाया जाएगा कोई नया कार्यक्रम वगैरह अभी कोई ऐसी सूचना नहीं आई है कौन कौन आ रहे हैं परंतु कार सेवा प्रमुख जैसे प्रतिवर्ष बनाया जाता रहा है उसी प्रकार से बनाया जाएगा Meanwhile, Mohammed Hashim Ansari of Mudai Babri Masjid accused the Hindu Mahasabha of indulging in politics on this issue. आजादी के बाद हम तो समझते थे कि हम भी सारी दुनिया आजाद है और हम भी आजाद हैं लेकिन जनवरी 1950 में बाबरी मस्जिद में कांग्रेस ने साजिश करके मूर्ति रखवा दी और आज उसकी हिफाजत हो रही है 60 लाख रुपया डेली का खर्चा है कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर के 25 करोड़ मुसलमानों को आजादी हमको भी मिली है कि नहीं मिली हमें पूछना चाहते हैं अब भाई इस वक्त हम तो समाजवादी पार्टी के आदमी हैं और बाबरी मस्जिद का मसला हाई सुप्रीम कोर्ट में है तो इस मसले को हम सिर्फ अदालत के अंदर रखेंगे अदालत से बाहर कोई नौटंकी ड्रामा नहीं करेंगे इसलिए कि हमको कुर्सी करेंसी नहीं चाहिए हमको 550-600 बरस की बनी हुई मस्जिद चाहिए अगर कोई भी सरकार बनती है और हमारी मस्जिद हमको वापस करती है तो हम उसका इस्तकबाल करेंगे और अगर नहीं करती है तो हम किसी किस्म का हिस्सा नहीं लेंगे नहीं कोर्ट में है इधर कोर्ट का मामला लंबा खिंचता चला जाएगा तो क्या अभी ये तो सरकार की साजिश है उसी पर पूरी राजनीति हो रही है मुकदमा कहाँ है क्या हो रहा है 11,500 पेज की जजमेंट है अब हमारे सारे लीडर परेशान है कि हम क्या करें हम सड़कों पर आएंगे नहीं कानून हाथ में नहीं लेंगे हमको मेंबर पार्लियामेंट नहीं बनना है मेंबर असेंबली नहीं बनना है हम शांति के साथ बाबरी मस्जिद के मुकदमा अदालत में खामोशी के साथ लड़ेंगे और उम्मीद हमको है कि फैसला वहां होगा करेस्पोंडेंट अमित फ्रॉम अयोध्या फॉर एएनआई